अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। अगर डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो ऐसे तमाम हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी डेफिनेशन है द हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड इन विच टू कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। जिसमें डबल बॉन्ड के थ्रू लिंक होंगे, डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, उन्हें अल्कीन कहा जाता है। और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, लिंक है उनका आपस में, तो अल्काइन्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है टू कार्बन कंपाउंड की देखते हैं। डबल बॉन्ड है, टू कार्बन है, हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। एक कार्बन ने टू बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर टेट्रावेलेंट है, फोर बॉन्ड कंप्लीट करने हैं तो टू हाइड्रोजन आएंगे इसके साथ भी। इसने टू बॉन्ड बनाए हुए हैं और टू ये हाइड्रोजन लगाने के बाद वैलेंसी सेटिस्फाइड। इसका नाम जो है वो होगा इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो लास्ट पे क्या आएगा, इन, ई एन ई। एक और एग्जांपल देखेंगे थ्री कार्बन कंपाउंड की, उसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे। कहीं पर भी आप लगा लें, चाहे तो यहाँ लगा लें। अब इस वैलेंसी, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो यहाँ पर कार्बन ने टू बॉन्ड बनाया है, साथ क्या आएगा, टू। इस कार्बन ने टू यहाँ पर है, वन यहाँ, तो थ्री बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन आएगा, फोर कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है। इसने फोर अपना कंप्लीट करने हैं बॉन्ड, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, इसके साथ थ्री आएंगे तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर थ्री कार्बन है, वन टू थ्री, और डबल बॉन्ड है तो नाम आएगा प्रोपीन। दिस कंपाउंड हैविंग जर्नल फार्मूला, इनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n और इनका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। दी हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर पहले डिस्कस किया डबल बॉन्ड के थ्रू, डबल बॉन्ड का भी डिस्कस करने के बाद देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइन्स, उन्हें अल्काइन्स कहा जाता है, अभी ऊपर डिस्कस किया। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। टू कार्बन कंपाउंड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, टू कार्बन कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें। एक कार्बन ने थ्री बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई। नाम इसका आएगा इथाइन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम क्या आया, इथाइन। इसी तरह प्रोपीन जो पहले ड्रॉ किया, लिखा स्ट्रक्चर, यहाँ पर थ्री कार्बन कंपाउंड का करें तो कहीं पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा लें, यहाँ लगा लें, वैलेंसी सेटिस्फाई करें। इसके साथ वन हाइड्रोजन आएगा, इसके फोर कंप्लीट हैं और इसका वन है तो यहाँ पर थ्री आ गया, नाम क्या होगा, प्रोपाइन। ये है प्रोपाइन। अब इनका जर्नल फार्मूला क्या होगा, इनका जर्नल फार्मूला चेंज है CnH2n-2 और इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड और ये कार्बन और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो जर्नल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और साथ एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके साथ एक और आपने डिस्कस करना है, क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो वो देखते हैं क्या है क्लोज चेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में। कंपाउंड हैविंग रिंग ऑफ कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग ऑफ कार्बन हो। एटम इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 एंड साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इसकी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C6H6 को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर आएगा, बेंजीन का, बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आएगा तो ही आपका ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो एक्यूरेट होगा। अगर आप डबल बॉन्ड नहीं लगाते तो ये स्ट्रक्चर आपका
रोम हो जाएगा। तो ये है आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसको अगर आप खोल के देखें या इसका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पर सी 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 और यहाँ पर एच इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई की गई है। तो आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करके इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करके दिखाऊंगी अगर आपको ओपन इसका स्ट्रक्चर चाहिए तो। नेक्स्ट वन है साइक्लोब्यूटेन यानी ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन साइक्लो है, क्लोज होगा। ये मैंने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर साइक्लो है तो क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई करें, एक कार्बन को कि टू बॉन्ड्स हैं यहाँ पर तो टू हाइड्रोजन आएंगे, ये भी टू है तो टू हाइड्रोजन, ये भी टू है तो टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया साइक्लोब्यूटेन का। नेक्स्ट वन है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या है, के सिक्स कार्बन है। तो सबसे पहले सी एच टू, ये मैं यहाँ पर साइक्लो जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है वैसा ही है, बस उसमें डबल बॉन्ड आएंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है। कार्बन के सामने कार्बन बॉन्ड आना चाहिए। तो ये है आपके पास साइक्लो हेक्सेन। ये है साइक्लो हेक्सेन का स्ट्रक्चर और ये एग्जांपल्स हैं क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। अब यहाँ पर अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई, मैंने जैसे अभी आपको कहा था कि इसको सेटिस्फाई करके दिखाऊंगी, तो इसको खोल के अगर लिखें तो क्या आएगा, कार्बन और एक कार्बन ये है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है कार्बन, फिर सिंगल कार्बन, इसी तरह यहाँ पर आएगा कार्बन। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड आएंगे और उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड। अब इसकी अभी आपने फॉर्मूला बताया C6H6 है, तो C6 तो आ गए आपके पास। अब H6 देखते हैं, आते हैं, एक कार्बन है इसको थ्री इसके बॉन्ड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा। ये कार्बन है थ्री बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन लगेगा। ये कार्बन है थ्री बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, अपने वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो एक हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पर एक और ये यहाँ आ गया। अब इसका टोटल करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तो ये आपके पास आ गए हाइड्रोजन 6। तो इस तरह से इसका ओपन स्ट्रक्चर भी आप लोग लिख सकते हैं, और अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो भी ठीक होगा। बेंजीन को लिखने का एक और मेथड है कि जस्ट आप बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करें और उसके अंदर जस्ट ये रिंग लिख कर दें, ड्रॉ कर दें, तो ये भी आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हैं हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अल्केन को डिटेल में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका इंट्रोडक्शन, उसके सोर्सेज, उसकी प्रेपरेशन, उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।